लाखों दर्शकों का भरोसेमंद न्यूज चैनल R9 भारत। खबर रक्सौल से, जहां आपको बता दें सोशल साइट्स पर पाकिस्तानी झंडा लगाने जैसे राष्ट्र विरोधी कार्य करने वाले युवक पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग को लेकर विहिप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और बजरंग दल ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। इसमें संवाददाताओं को संबोधित करते हुए बजरंग दल के रक्सौल के संयोजक दिग्विजय पार्थ ने कहा कि विगत दिनों तुमड़िया टोला वार्ड नंबर 3 निवासी मुस्तफा अंसारी का पुत्र समीर अंसारी, सुंदर पुल वार्ड नंबर 4 निवासी अनवर मियां का पुत्र साहिल मियां और नोनिया डीह पंचायत के सहदेवा निवासी मेहंदी मियां के पुत्र मिराज मियां के द्वारा अपनी फेसबुक आईडी में भारत के तिरंगा झंडा लगाने की जगह पाकिस्तानी झंडा लगाकर देशद्रोह का कार्य किया गया है। जरा आप भी देखिए R9 भारत टीवी स्क्रीन पर राजेश कुमार वर्मा की यह रिपोर्ट। सीमावर्ती गाँव में कुछ जिहादियों के द्वारा अपने फेसबुक आईडी से पाकिस्तानी झंडा पोस्ट करने का दुस्साहस किया गया, जिसके निमित्त हम लोग यहाँ पे और हमारे साथ साथ अन्य संगठन के भी अधिकारी आज हम सभी प्रेस वार्ता कर रहे हैं। और इस प्रेस वार्ता में आए हुए आप सभी आदरणीय पत्रकार बंधुओं को हम अभिनंदन करते हैं और तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि आप इस इतने बड़े ज्वलंत मुद्दों को जन जन तक पहुँचाने का जो साहसिक प्रयास कर रहे हैं, आप सभी बधाई के पात्र हैं। इसके साथ साथ अभी तक हम लोगों ने जो भी कार्रवाई किए हैं और जहाँ कहाँ कहाँ आवेदन दिए हैं, इसके विषय में हमारे माननीय प्रशांत जी जो विद्यार्थी परिषद के यहाँ के पदाधिकारी हैं जानकारी देंगे। दिग्विजय जी, जैसे कि आपने अभी बोला कि कुछ जिहादियों द्वारा जी, क्या वो भारत का नागरिक नहीं है? देखिए, भारत के नागरिक होने से मतलब नहीं है, आपको भारत के प्रति निष्ठा और प्रेम दिखाना पड़ेगा। आप भारत के नागरिक होकर भी देशद्रोही कहलाते हैं ना अपने कृत्य से। यदि आप इस तरह का कृत्य कीजिएगा, भारत के विरोध में पाकिस्तानी झंडा का पोस्ट कीजिएगा, तो आप नागरिक होकर भी आपको देशद्रोही मानेंगे। भारत में तो देखा जाता है कि खाने का और पहनने का मतलब ज्यादातर आजादी दिया गया था जी। आजादी देखिए, उन लोगों का एक माइंड सेट है, गजवा हिंद के माइंड सेट के साथ वे लोग ये सब कर रहे हैं। और हम इस प्रेस वार्ता के माध्यम से तमाम देशभक्त नागरिकों से अपील करते हैं कि ऐसे ऐसे जो आज दिन के सांप हैं, इनके फल को चलने के लिए आप सभी को दृढ़ संकल्पित होकर प्रयास करना होगा और हम सभी को यह मिलकर लड़ाई लड़ना होगा। अगर हम नहीं लड़ते हैं तो जिस प्रकार अभी हम सभी को पता होगा कि गृह मंत्रालय का भी रिपोर्ट आया है, जो सीमावर्ती खासकर सीमावर्ती क्षेत्रों में जहां भारत और नेपाल का जहां मामला है, यहां पे रोहिंग्या बांग्लादेशी और पाकिस्तानी मुसलमान भी आकर यहां पे शरण ले रहे हैं, अपना निवास स्थान बना रहे हैं और उन लोगों के द्वारा भारत के विरोध में निरंतर षड्यंत्र रचने का काम किया जा रहा है। और जो सीमावर्ती मदरसा और मस्जिद भी है, वहां पर भी देश विरोधी गतिविधि फैलाने का काम किया जा रहा है। इसलिए इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हम चाहते हैं कि सारे जो भी देशभक्त है, आम नागरिक है, इन सारे गतिविधियों पर अपना निरंतर निगरानी रखें। जिस लड़का का गिरफ्तारी हुआ है, उनके माता पिता का कहना है कि मेरा लड़का बस बाकाओं में आकर ऐसे कर दिया था, उसके लिए हम लोग माफी चाहते हैं और वे मतलब प्रेस के माध्यम से कुछ कहना चाहते हैं। देखिए, बाकाओं में देश विरोधी गतिविधि नहीं होता। आज तक वह भटका हुआ लड़का और भागा हुआ लड़का कभी आपने सुना है कि अपने माता पिता को मार दिया हो या उनका सर फोड़ दिया हो? यह भटका हुआ लड़का सिर्फ भारत के विरोध में ही षड्यंत्र क्यों करता? यह हम सभी के लिए एक यक्ष प्रश्न है। और आप देखे होंगे कि लगातार इस सीमावर्ती गांव में कुछ जिहादियों के द्वारा अपने फेसबुक आईडी से पाकिस्तानी झंडा पोस्ट करने का दुस्साहस किया गया, जिसके निमित्त हम लोग यहाँ पे और हमारे साथ साथ अन्य संगठन के भी अधिकारी आज हम सभी प्रेस वार्ता कर रहे हैं। और इस प्रेस वार्ता में आए हुए आप सभी आदरणीय पत्रकार बंधुओं को हम अभिनंदन करते हैं और तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि आप इस इतने बड़े ज्वलंत मुद्दों को जन जन तक पहुँचाने का जो साहसिक प्रयास कर रहे हैं, आप सभी बधाई के पात्र हैं। इसके साथ साथ अभी तक हम लोगों ने जो भी कार्रवाई किए हैं और जहाँ कहाँ कहाँ आवेदन दिए हैं, इसके विषय में हमारे माननीय प्रशांत जी जो विद्यार्थी परिषद के यहाँ के पदाधिकारी हैं जानकारी देंगे। दिग्विजय जी, जैसे कि आपने अभी बोला कि कुछ जिहादियों द्वारा जी, क्या वो भारत का नागरिक नहीं है? देखिए, भारत के नागरिक होने से मतलब नहीं है, आपको भारत के प्रति निष्ठा और प्रेम दिखाना पड़ेगा। आप भारत के नागरिक होकर भी देशद्रोही कहलाते हैं ना अपने कृत्य से। यदि आप इस तरह का कृत्य कीजिएगा, भारत के विरोध में पाकिस्तानी झंडा का पोस्ट कीजिएगा, तो आप नागरिक होकर भी आपको देशद्रोही मानेंगे। भारत में तो देखा जाता है कि खाने का और पहनने का मतलब ज्यादातर आजादी दिया गया था जी। आजादी देखिए, उन लोगों का एक माइंड सेट है, गजवा हिंद के माइंड सेट के साथ वे लोग ये सब कर रहे हैं।
और हम इस प्रेस वार्ता के माध्यम से तमाम देशभक्त नागरिकों से अपील करते हैं कि ऐसे ऐसे जो आस्तीन के सांप हैं, इनके फल को चलने के लिए आप सभी को दृढ़ संकल्पित होकर प्रयास करना होगा और हम सभी को अमीर की लड़ाई लड़ना होगा। अगर हम नहीं लड़ते हैं तो जिस प्रकार अभी हम सभी को पता होगा कि गृह मंत्रालय का भी रिपोर्ट आया है जो सीमावर्ती खासकर सीमावर्ती क्षेत्रों में जहां भारत और नेपाल का जहां मामला है, यहां पे रोहिंग्या बांग्लादेशी और पाकिस्तानी मुसलमान भी आकर यहां पे शरण ले रहे हैं, अपना निवास स्थान बना रहे हैं और उन लोगों के द्वारा भारत के विरोध में निरंतर षड्यंत्र रचने का काम किया जा रहा है। और जो सीमावर्ती मदरसा और मस्जिद भी है वहां पर भी देश विरोधी गतिविधि फैलाने का काम किया जा रहा है। इसलिए इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हम चाहते हैं कि सारे जो भी देशभक्त है, आम नागरिक है, इस इनकी इन सारे गतिविधियों पर अपना निरंतर निगरानी रखें। जिस लड़का का गिरफ्तारी हुआ है उनके माता पिता का कहना है कि मेरा लड़का बस बाकाओ में आकर इसे कर दिया था, उसके लिए हम माफी चाहते हैं और वे मतलब प्रेस के माध्यम से कुछ कहना चाहते हैं। देखिए, बाकाओ में देश विरोधी गतिविधि नहीं होता। आज तक वह भटका हुआ लड़का और बहका हुआ लड़का कभी आपने सुना है कि अपने माता पिता को मार दिया हो या उनका सर फोड़ दिया हो? यह भटका हुआ लड़का सिर्फ भारत के विरोध में ही षड्यंत्र क्यों करता? यह हम सभी को लिए एक यक्ष प्रश्न है। और आप देखे होंगे कि लगातार इस